राघव जो हमारा भेजा खाता था ना वो नहीं वो शाहरुख सर करण आजकल भाई साहब उनके साथ घूमता है। दोस्तों राघव जुआर डांस प्लस प्रो शो में ना होते हुए भी सबके दिलों पर छाए हुए हैं और ऐसा कोई एपिसोड नहीं जा रहा है जहां पर राघव को याद नहीं किया जा रहा है। और अब तो भाई रेमो डिसूजा सर ने भी सारी हदें पार कर दी हैं और साफ साफ बता दिया है कि भाई देखो एक बात तो बिल्कुल सच है कि राघव जुआर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन हम क्या करें, अब हमारी भी मजबूरी है, हमको भी आगे बढ़ना है और राघव जुआर ये शो करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि रेमो सर ने तो ये भी कह दिया है कि भाई राघव जुआर इतना लाइफ में आगे निकल चुका है कि भाई वो अब मेरे ही हाथ नहीं आता है। तो ये हमारी मजबूरी बन गई थी कि बिना राघव जुआर के ही डांस प्लस प्रो को स्टार्ट करना। देखिए पहले राघव जुआर शो होस्ट करते थे, लेकिन अब वो इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं कि वो करण जौहर सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं। और मैं राघव जुआर के लिए बहुत ज्यादा खुश भी हूँ क्योंकि उसको लाइफ में यही कुछ करना था और वो ये सब ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा शो हमेशा चलते रहना चाहिए क्योंकि राघव जुआर गए हैं तो कोई और राघव जुआर को रिप्लेस तो करेगा ही, और क्या पता हमें कुछ और अच्छे कलाकार मिल जाए राघव की एब्सेंस में, लेकिन राघव की जगह तो कोई नहीं ले सकता। मतलब कि दोस्तों अब तो खुद रेमो सर ने भी कबूल कर लिया है कि राघव को रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन शो के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राघव जुआर को डांस प्लस प्रो के सीजन में वापस आना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सुशांत खत्री राघव जुआर जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं, ये भी हमें जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।